दुबई में रहने वाले लोगों के लिए वीज़ा फाइन को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है। 5 दिनों के अंदर में अगर दुबई से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनकी ट्रेवल बैन किया जाएगा, यहाँ तक कि उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, और अगर गिरफ्तारी होगी तो जुर्माना लगा करके डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके 6 देशों की एंट्री भी बैन किया जाएगा। वह लोग सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत समेत किसी भी गल्फ कंट्री में यात्रा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका वीज़ा ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर दुबई में या यूए के किसी भी स्टेट में हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, नहीं तो अगर वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो बहुत ही मुसीबत में फंस सकते हैं। जो भी लोग दुबई में विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या ओवर स्टे में रह रहे हैं, तो उन्हें 5 दिनों के अंदर में दुबई छोड़ना पड़ेगा। अगर 5 दिनों के अंदर में दुबई नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें पुलिस सबसे पहले पकड़ करके गिरफ्तार करेगी और फिर उन पर जुर्माना लगाएगी। 2000 दिरहम जुर्माना लगाया जाएगा। यूई के क्रिमिनल ऑफिशियल ने बताया है कि जो लोग ओवर स्टे में रहेंगे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, यानी पुलिस अरेस्ट करेगी और फाइन लगा करके छोड़ देगी, यानी उनके ऊपर 2000 दिरहम का फाइन लगाएगी। फिर वह लोग को कंट्री छोड़ करके निकलना होगा, और जो लोग अगर गिरफ्तार हो जाएंगे और फाइन नहीं भर पाएंगे उन्हें फ्री में ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी उनका जुर्माना तो बच जाएगा लेकिन उनका दुबई का वीज़ा ब्लॉक कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि गल्फ कंट्री का भी वीज़ा ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए जो लोग एक्सपायरी वीज़ा वाले ओवर स्टे में रह रहे हैं वह लोग तुरंत के तुरंत फाइन भर करके कंट्री से बाहर निकलें, नहीं तो उनके ट्रेवल यूएई समेत पूरे गल्फ कंट्री के लिए बैन हो जाएगा।